जीजी माँ में आज फाल्गुनी को विधान की चिंता सता रही है, लेकिन विधान आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान है। दरअसल विधान अपनी पहली डील को साइन करने जा रहे हैं। ये डील उनके लिए बेहद ही खास है। ऐसे में फाल्गुनी नहीं चाहती कि विधान किसी के भी झांसे में फंसे और जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लें। बिना देर किए फाल्गुनी विधान को फोन करती है और बिना कोई सवाल किए उन्हें डील कैंसिल करने को कहती है। विधान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो, तुम जानते हो विधान भी अपनी भाभी माँ की बात का मान रखते हुए डील कैंसिल कर देते हैं। उलझन में डूबी फाल्गुनी अपनी परेशानी का किसी से इजहार भी नहीं कर सकती है। तभी वहाँ आते हैं सुयश और बातों ही बातों में सुयश फाल्गुनी को कहते हैं कि जिंदगी की हर परेशानी में वो उन्हें अपने साथ मौजूद पाएंगी। एक बात को नोट करके रखो, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत महसूस होगी तो मुझे अपने पास बहुत पास। अपनी बीवी का हमेशा ध्यान रखने वाले सुयश फाल्गुनी की पट्टी चेंज करते हैं और इसी दौरान सुयश फाल्गुनी को डील के साइन होने का सही मुहूर्त बताते हैं। आपको बता दें कि ये वही डील है जिसके लिए फाल्गुनी ने विधान को साइन करने से मना किया था। तुम्हें पता 24 घंटे पूरे हो गए। अरे वो इन्वेस्टर्स ने कहा था ना कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, तो उन्होंने कहा था डील साइन करेंगे 24 घंटे बाद, तो वो 24 घंटे पूरे हो गए। अभी वो सब लोग घर पे दर्शन के लिए आ रहे, दर्शन के बाद डील साइन कर देंगे। डील से जुड़ी सुयश की उम्मीद और लगन देखकर फाल्गुनी घबरा जाती है कि कहीं सुयश इस डील के लिए हाँ ना कर दें। वो कहते हैं ना कि गणपति बप्पा जब भी आपके घर बैठते हैं ना तो आपके सारे साल के दुख ना अपनी पोटली में बंद कर लेते हैं और विसर्जन करते वक्त वो सारे दुख उनके साथ विसर्जित हो जाते हैं। तो हमारे साथ भी वही होने वाला है। तुम देखना, जितने भी दुख है ना वो सब चले जाएंगे, अब बस खुशियां खुशियां और खुशियां रह जाएंगी। चलिए सीधा चलते हैं फाल्गुनी और सुयश के पास और जानते हैं अपने सवालों के जवाब। फाल्गुनी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप आखिर इस डील के खिलाफ क्यों हैं? मैं विधान से ही बात कर रही हूँ क्योंकि प्याली ने मुझे कहा है कि जो डील होने वाली है वो उसके लिए नुकसानदायक है और जो विधान है उसकी पहली डील है, तो मैं नहीं चाहती कि वो कुछ भी ऐसा गलत साइन कर ले, तो मैं उसको फोन करके बोल दूँ कि प्लीज कैंसिल द डील। वैसे हमने आप दोनों के बीच एक क्यूट मोमेंट भी देखा, क्या उस पल को एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप? एक्चुअली इनके हाथ में लग गई है और सिंदूर की डब्बी इनसे खुल नहीं रही है, तो मैंने थोड़ी हेल्प कर दी, तो हेल्प करने के बजाय मैंने फिर सिंदूर भी लगा ही दिया, क्योंकि इतनी मेहनत कर रही है तो थोड़ी सी मेहनत अगर नहीं करेंगी कम करेंगी तो अच्छा हो जाएगा ना, इनका हाथ ठीक हो जाएगा। वेल, देखा जाए तो फाल्गुनी भी अपनी जगह पूरी तरह सही है, लेकिन वो चाहकर भी किसी को अभी ये खबर नहीं दे सकती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि फाल्गुनी इस डील को होने से कैसे रोकेंगी। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।